अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आई एम समरीन द पीएचडी स्कॉलर। आज मैंने सोचा कि मैथ में लीनियर इक्वेशन फ्रॉम क्लास एट्थ, मैथ की लीनियर इक्वेशन चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। वट आर दीज इंटीजर्स? इंटीजर्स आर द फर्स्ट आई विल टेल यू वट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स are the positive numbers, negative numbers and whole numbers. These are the combination of the three numbers, negative numbers, positive numbers as well as whole numbers. So let us start. I will make it easy inshallah and hope you will understand it. Let the first number be x. And sorry to inform you that consecutive numbers are those numbers which और इन कंटिन्यूस, दैट मीन्स अगर मैं 1 लूँगी उसके बाद मुझे 2 लेना है, उसके बाद 3। अगर मैं लेट इट बी एग्जाम्पल ये करूँगी कि ये 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3, इट विल कम आउट 2 3 4 5 6 6। दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड द सम ऑफ दीज थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 6। ऐसे ही हमें निकालने हैं 51, मतलब 51 किस से आएगा, किस किन तीन नंबर्स को सम करेंगे वो 51 आएगा। ठीक है, हम कोई लिख सकता है, मतलब 14 भी, फिर प्लस करेगा 15, फिर प्लस करेगा कुछ और, मगर फिर 18 एग्जाम्पल, मगर ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जो साथ साथ आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी, पहला एक्स रखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस 1 एंड थर्ड नंबर एक्स प्लस 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन इज टेलिंग दैट वी हैव टू ऐड अप, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है इन्होंने, ये दी है कि x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 51। तो यहाँ पे वेरिएबल्स है, सेम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स। वेरिएबल्स को हम वेरिएबल के साथ प्लस करते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स को कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ। सो यहाँ पे 3x है, दैट विल बी 3x इज इक्वल 3x प्लस वेरिएबल कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के साथ एड करेंगे, 1 प्लस 2 3 is equal to 51. Now we will transpose 3. 51 minus 3. 3x will be equal to 51 minus 3. It will be 48. X will be equal to 48 by 3. Then x will be equal to 16. Therefore, our number is, first number is x, that is 16. Now, first number be x. Sorry, first number, therefore, first number is equal to x is equal to 16 and second number is equal to x plus 1, that is 16 plus 1, that is 17. Third number x plus 2, that is 16 plus 2, that is 18. Now there are three numbers and the sum of these three numbers is equal to 51. Now I will check it, is this, if we add these three numbers, is the sum 51. So let us check here. 16 plus 17 plus 18 8 plus 7 plus 6 8 11 12 14 15 16 18 19 20 it will come 21, and 21 plus 3, that will be 51. So these are the three consecutive numbers, इनमें कोई गैप नहीं है, 16 plus 17 plus 18, और इन तीन नंबर्स, ये वो तीन नंबर्स हैं जिनका सम 51 है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।